हेलो फ्रेंड्स, विहंगम चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज देखिए, मैं आपको हमारे नीचे वाले टेरेस में क्या फ्लावर्स खिले हैं मैं वो दिखाना चाहती हूँ। स्पेशली ये रेनुनकुलस है, देखिए रेनुनकुलस कितने अच्छे खिले हुए हैं। ये देखिए रेनुनकुलस का बिल्कुल मतलब रोज़ को मात देने वाला फूल है ये, और इसके फ्लावर्स बहुत दिनों तक ऐसे ही खिले रहते हैं। रोज़ के तो कैसे 2-3 दिनों में झड़ जाते हैं, लेकिन ये फ्लावर्स देखिए 2 हफ्ते हो गए, 2 हफ्ते से ऐसे ही खिले हुए हैं। और देखिए नए नए बर्ड्स इसमें आ रहे हैं, तो मुझे ये रेनुनकुलस बहुत पसंद है। देखिए इसकी पत्तियां जो है ना, ये जैसे हम गुलदावरी की पत्तियां हैं उस तरह से लगती हैं, और ये रेनुनकुलस है। इसके कई कलर्स हैं मेरे पास, ये देखिए ये है एक रेनुनकुलस, एक कलर ये है। देखिए इसमें बीच में बिल्कुल जड़ के पास फ्लावर आ रहे हैं, देखिए बहुत सुंदर। और इसमें बर्ड्स भी देखिए कितने सारे हैं, ये रेड कलर है, इसमें भी देखिए कितने बहुत सारे बर्ड्स हैं। और ये येलो देखिए, बिल्कुल नीचे से जड़ से फ्लावरिंग होती है इसकी, और बर्ड्स देखिए कितने सारे निकले हुए हैं। इसीलिए मुझे ये रेनुनकुलस ना बहुत पसंद है। रोज तो मेरा फेवरेट है, लेकिन ये रेनुनकुलस जो है ये भी बहुत अच्छा लगता है मुझे। ये देखिए ये रोजमेरी है, रोजमेरी में कई कलर्स होते हैं, मेरे पास पिंक है। और देखिए मधुमक्खियाँ घूम रही हैं, लास्ट टाइम तो मधुमक्खी ने बहुत बड़ा छत्ता बनाया था। और ये हॉलीहुक है, हॉलीहुक में भी फ्लावरिंग अच्छी हो रही है, कलर अच्छा है इसका। और ये कॉस्मोस की तरह ही है, बस इसका नाम कॉस्मोस नहीं है, इसका नाम मुझे ध्यान नहीं आ रहा, पर ये इसकी फ्लावरिंग भी बहुत अच्छी होती है, ये भी बहुत दिनों तक चलता है, पूरा गर्मियों में रहने वाला फूल है ये। तो कॉस्मोस दिखाती हूँ मैं आपको, ये कॉस्मोस है, सिंगल पैटर्न का कॉस्मोस। इसमें ना येलो कलर का फूल होता है ना, वो भी बहुत अच्छा होता है। ये मेरे पास पिंक है अभी, ये भी पूरा टाइम चलता है, ये आपने गार्डन में एक बार लगा लिया तो फिर ये कहीं नहीं जाने वाला, ये हमेशा आपके साथ रहता है। इसमें फ्लावरिंग भी बहुत अच्छी होती है, बहुत ज़्यादा मात्रा में होती है, इसकी फूल बहुत ज़्यादा निकलते हैं। और ये रोज़ है मेरे, रोज़ देखिए बहुत दिनों के हैं तो इसलिए थोड़े मुरझा से गए हैं, मैंने वीडियो थोड़ा लेट बनाया, स्पेशली मैं रेनुनकुलस का ही वेट कर रही थी, मैंने कहा इसके फूल जब ज़्यादा हो जाएं तो मैं आपको दिखाऊं। और ये देखिए ये मेरी बेगम बहार है, बहुत ज़्यादा देखो झुक गए हैं बिल्कुल, कलियाँ इतनी ज़्यादा है ना कि पूरा पौधा झुक गया है, बहुत फ्लावरिंग होती है इसमें तो। और नाम भी कितना खूबसूरत, बेगम बहार, बहारों की बेगम। ये देखिए बहुत अच्छा लगता है ये हमेशा ना, मतलब इसके पास आओ ना तो इतनी फ्रेशनेस लगती है ना, इतने अच्छे फूल होते हैं इसके, बहुत अच्छा लगता है। तो आपको ये मेरे फ्लावर्स कैसे लगे बताइएगा ज़रूर। थैंक यू।